أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا وسيد الأولين والآخرين حبيبنا وحبيب إله العالمين إمام المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى صلى الله عليك يا رسول الله صلى الله عليك يا أمير المؤمنين سلام الله وسلام ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين وعباده الصالحين وجميع الشهداء والصديقين عليك يا أمير المؤمنين يا مولاي يا أمير المؤمنين عبدك وابن عبدك وابن أمتك جاءك مستجيرا بذمتك يا مولاي إليك وفودي وبك أتوسل إلى ربي في مقصودي پروردگار آپ تمام حضرات کو ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام سے وابستگی کا شرف عطا فرمائے جو حضرات اس نعمت ولایت کے قدردان ہیں سجدہ انہی کو زیب دیتا ہے انہیں چاہیے کہ وہ سجدہ شکر بجا لائیں میں عموماً مجالس میں خطاب کرنے کے وعدے بہت کم قبول کرتا ہوں یہ وعدہ تو پروردگار جزائے خیر عطا فرمائے مسجد جامع امام صادق علیہ السلام کے ذمہ داران و مسئولین پروردگار ان کے توفیقات میں اضافہ فرمائے اور مسئولین و ذمہ داران و کارکنان مرکز باب المراد لندن پروردگار ان سب کے توفیقات میں اضافہ فرمائے اور خصوصیت کے ساتھ
जिस एक शख्स की वजह से मैंने ये वादा कबूल किया, जिसे मैं ज़िंदा शहीद कहता हूँ, परवरदिगार उन्हें ज़िंदगी अता फरमाए। वो ख़ुद ज़िंदा शहीद हैं और तीन शहीद भाइयों के सोगवार हैं, सैयद नादिर अब्बास ज़ैदी, जिनके बिरादर गिरामी सैयद नय्यर ज़ैदी मेरे लिए हकीकी भाई से कम दर्जा नहीं रखते थे। परवरदिगार इन सब को और उन तमाम शुहदा को जो इश्क़ अहले बैत की खातिर शहीद हुए हैं, बुलंद से बुलंद तर मरतबा अता फरमाएं। बहरहाल ये वादा हो गया तो कुछ अर्ज़ करना है। असल में मैं वादा इसलिए नहीं लेता हूँ कि मुझे ऐसे दौर में ज़िंदगी नसीब हुई है कि गोयम मुश्किल वगर न गोयम मुश्किल। गालिब को अपने पेचीदा और मुश्किल अशार की तशरीह लिखनी पड़ती थी और हमें अपने नहायत सादा और वाज़ेह बयानात की मज़ीद तौज़ीह करनी पड़ती। ये दौर बहुत अजीब है। खालिस इल्मी और अदबी ज़बान में गुफ्तगू करने वाले मफ़कूद हो चुके हैं और अफसोस ये है कि दीन फरोशों की कसरत है और आमियाना ज़बान और बाजारी ज़बान में गुफ्तगू के लोग आदी होते जा रहे हैं। नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक व नस्तजीरु बिल्लाह मिन ज़ालिक। बहरहाल आज से ये तीन मजालिस का जो सिलसिला शुरू हुआ है, मैं परवरदिगार आलम से दस बदुआ हूँ कि परवरदिगार तौफीक अता फरमाए कि मैं विलायत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से कुछ अर्ज़ कर सकूँ। मैंने क़ुरान मजीद की जिस आयत का इंतखाब किया है, ये आयत सूरह मुबारक हज की है। पूरी आयत भी मैंने नहीं पढ़ी आपके सामने, आयत का आखिरी टुकड़ा सिर्फ जान सुखन और रूह सुखन उसमें पोशीदा है। अगरचे आयत का एक एक लफ्ज़ एक एक कलिमा अहम है। सूरह मुबारक हज की 77वीं और 78वीं आयतें जो हैं दोनों, 77वीं आयत पे सजदा वाजिब है, इसलिए सजदा मुस्तहब है, माफ़ फरमाइएगा, सजदा मुस्तहब है, मगर बहरहाल सजदा है, सजदा मतलूब है, इसलिए मैंने वो आयत नहीं पढ़ी उस आयत में और इस आयत में, दोनों में गौर फरमाएं। तो मकाम अइम्मा अतहार का खुलकर सामने आएगा क़ुरान मजीद की रोशनी में। सूरह मुबारक हज में इरशाद फरमाया गया है कि वजाहिदू फिल्लाह हक जिहादे, वजाहिदू फिल्लाह हक जिहादे हुवज्तबाकुम। कलिमात पे गौर फरमाइएगा, वजाहिदू फिल्लाह हक जिहादे हुवज्तबाकुम वमा जअला अलैकुम फिद्दीन मिन हरज मिल्लत अबीकुम इब्राहीम, मिल्लत अबीकुम इब्राहीम हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन मिन कबल वफी हादा लियकून अर्रसूलु अलैकुम
ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. एक-एक आयत इस आयत, एक-एक कलिमा इस आयत का ज़बाने हाल से गोया है कि ये हर कसो नाकस से ख़िताब नहीं है. चुनांचे तफसीर शरीफ कुम्मी और किताब शरीफ काफ़ी, काफ़ी थिक़तुल इस्लाम को लेने की, इन किताबों में जो मुस्तनद रिवायतें मौजूद हैं उन रिवायतों में आइमा अथार अलैहिमुस्सलात वस्सलाम की जानिब से ये वजाहत की गई है कि यह आयत, इसमें हक़ सुबहानहु व तआला का ख़िताब किसी और से नहीं, हमसे है. हम अपने आइमा अथार अलैहिमुस्सलात वस्सलाम को मंसूस मिन अल्लाह समझते हैं. हम अपने आइमा अथार अलैहिमुस्सलात वस्सलाम को मासूम समझते हैं. हम अपने आइमा अथार अलैहिमुस्सलात वस्सलाम को हक़ सुबहानहु व तआला की तरफ से मुंतखब समझते हैं, है ना? और हमसे दलीलें मांगी जाती हैं. दलीलें बिखरी हुई हैं क़ुरान मजीद में, दलीलों की कमी नहीं है, एक दो दलीलें नहीं हैं. मगर उनके लिए जो आँखें रखते हों और आँखें खोल कर क़ुरान मजीद की तिलावत करने की सआदत हासिल करते हों, जिनकी चश्म सर भी बाज हो और चश्म कल्ब भी, दिल की आँखें भी खुली हुई हों, जिनके अंदर किसी किस्म का तअस्सुब ना हो, किसी किस्म की जानिबदारी ना हो सिवाय हक से तमस्सुक के, हक सुबहानहु व तआला. बहुत तफसील से तो कोई बहस भी नहीं छेड़ सकता हूँ इसलिए कि वक्त की महदूदियत होती है, लेकिन बस इशारात हैं. यहाँ लफ्ज़ जो सदर आयत में है, जाहिदू फिल्लाहि हक्का जिहादे, अल्लाह की खातिर, अल्लाह के लिए जिहाद करो, और वो जिहाद करो कि जिहाद का हक अदा हो जाए. हुवज तबाकुम, उसने तुम्हें चुना है. यहीं ठहर के सोच लीजिए कि जितने मुसलमान हैं दुनिया में, हर फर्द ये कह सकता है, कोई इनमें से कह सकता है कि अल्लाह ने मुझे चुना है? अल्लाह ने मुझे चुना है, अल्लाह ने मुझे मुंतखब किया है. जाहिर है, मुझे मालूम है कि एक बड़ी तादाद मुफस्सरीन की मौजूद है जो हर चीज़ की तामीम कर देते हैं. हाँ, बहैसियत मुसलमान हम मुंतखब कौम हैं, तो ये तो वही बात है जैसे कुछ और कौमें कहती हैं कि हमें अल्लाह ने चुन लिया है. जिन्हें चुना है बेशक उन्हें चुना है, जो मुंतखब हैं वो मुंतखब हैं. यानी इस मकाम को आप उस मकाम से भी क़ुरान मजीद ही की रोशनी में जोड़ कर देख लें, इसलिए कि आगे इस आयत में है मिल्लत अबीकुम इब्राहीम, तुम्हारे बाबा इब्राहीम की मिल्लत. ये रेफरेंस क्यों आया? ये रेफरेंस, ख़ुद ये रेफरेंस दुनिया के तमाम मुसलमान जो मुख्तलिफ रंग और नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं, सब मुसलमान होने की हैसियत से बराबर हैं, कोई शक नहीं है इसमें, सब मुहतरम हैं, कोई शक नहीं है इसमें. लेकिन इनमें से हर एक ये नहीं कह सकता कि इब्राहीम हमारे बाबा हैं. गौर फरमाने आप, और अगर वो आयत सामने हो और ये आयत
जब जनाब इब्राहीम अला अलैहि वाला नबीना सलातु वसलाम को इमामत मिली है और जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फौरन इस इमामत को एक अजीम ओहदा और एक अजीम इनायत इलाही समझकर दुआ फरमाई, परवरदिगार व मिन ज़ुर्रियती, परवरदिगार मेरी ज़ुर्रियत से, जवाब दिया गया कि ला यनालो अहदी ज़ालिमीन, हमारा अहद जो है वो ज़ालिमीन तक नहीं पहुँचेगा। अगर वो वादे इलाही और वो दुआ इब्राहिमी सामने हो कि हक सुबहानहु व तआला ने फरमाया है कि ज़ालिमीन तक तो नहीं पहुँचेगा हमारा अहद, यानी वहीं ये मफहूम मौजूद है कि जो उसमें से आदिल होंगे, मासूम होंगे, उन तक अहद पहुँचेगा और दुआ इब्राहिमी मुस्तजाब होगी। वो फिर इस आयत की तरफ देखें जहाँ कहा जा रहा है हुवज तबाकुम, उसने तुम्हें चुना है, उसने तुम्हें मुंतखब किया है। मिल्लत अबीकुम इब्राहिम, तुम्हारे बाबा इब्राहिम की मिल्लत है। और हमारे आप वक्त नहीं है कि इससे ज़्यादा मैं तौज़ीह पेश करूँ, वजाहत करूँ, और आप हजरात की फिरासत ईमानी पर एतमाद है कि आप हजरात के लिए ये इशारे काफ़ी हैं। मैं इस आयत के आखिरी ही फ़िक्रे पर आकर ज़्यादा तवज्जो मरकूज करना चाहता हूँ। आयत का अख्तिताम कहाँ हुआ, इसलिए कि आयत के एक एक लफ्ज़ पर ठहर के गुफ्तगू होगी तो फिर बहुत तफसीली गुफ्तगू हो जाएगी। इस वक्त भी ये तकरीबन कई साआतें दरकार होंगी, लेकिन उतनी सकत नहीं है। वअतसिमू बिल्लाह, कुरान मजीद में और मकाम पर है वअतसिमू बिहब्लिल्लाह, यहाँ क्या है वअतसिमू बिल्लाह। तर्जमा करने वाले ब्रैकेट में यहाँ फिर वही तर्जमा तकरीबन कर देते हैं जो वअतसिमू बिहब्लिल्लाह का करते हैं कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। यहाँ नहीं, वो और हैं जिन्हें कहा गया है अल्लाह की रस्सी को पकड़ लो, ये कुछ और हैं जिन्हें कहा गया है अल्लाह को पकड़ लो। वअतसिमू बिल्लाह, बस तुम अल्लाह से वाबस्ता रहो, बस तुम अल्लाह से वाबस्ता रहो। वअतसिमू बिल्लाह हुवा मौलाकुम, वो तुम्हारा मौला है। हुवा मौलाकुम, वो तुम्हारा आका है। यहाँ भी आम तर्जमे क्या होते हैं, वो तुम्हारा दोस्त है। हुवा मौलाकुम, अल्लाह तुम्हारा आका है, हाकिम है, सरपरस्त है। हुवा मौलाकुम फनिअमल मौला वनिअमन नसीर, और क्या बेहतरीन मौला है और क्या बेहतरीन मदद करने वाला है। ये मज़मून अगर इस मज़मून को फैलाएं कुरान मजीद की वसातों के साथ तो कुरान मजीद में लफ्ज़ मौला कई मकामात पर आया है। सूरह मुबारक बकरा के आखिर में भी अंत मौलाना फंसोरना अलल कौमिल काफिरीन, अंत मौलाना, परवरदिगार तू ही हमारा मौला है, तू ही हमारा आका है, तुम्हारे तू ही हमारा सरपरस्त है। अल्लाह से गुफ्तगू हो रही है ना। यहाँ हक सुबहाना व तआला फरमा रहा है हुवा मौलाकुम वअतसिमू बिल्लाह, अल्लाह से वाबस्ता हो जाओ। यहाँ पर ज़ाहिर है कि जो अहले विला हैं उनके लिए ये इशारा काफ़ी है कि देखिए हक सुबहाना व तआला ने, और ये बहुत आम हर अहले विला के सामने ये नुक्ता वाज़े है, रोशन है, आफ्ताब निसफ़ नहार की मानंद, जिस तरह सूरज रोशन है, कि ये लफ्ज़ मौला हक़ सुबहानहु व तआला ने अपनी ज़ात के लिए भी इस्तेमाल किया है। ये लफ्ज़ मौला हक़ सुबहानहु व तआला ने अपने रसूल मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी इस्तेमाल किया। ये लफ्ज़ मौला हक़ सुबहानहु व तआला ने लिसान मुबारक नबूवत से हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के लिए भी इस्तेमाल फरमाया बग़ैर किसी क़ैद व इज़ाफ़त के,
جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے وہ متواتر ترین حدیث جس سے زیادہ متواتر کوئی حدیث ذخیرہ حدیث میں موجود نہیں ہے. یہ میں فنی اعتبار سے عرض کر رہا ہوں. اس سے زیادہ متواتر حدیث لفظاً و معناً پورے سرمایہ حدیث میں موجود نہیں ہے. یعنی جس طرح سے کہتے ہیں قطعی الصدور, جیسے ہم قرآن مجید کو ہاتھ میں اٹھا کر قسم کھا کے کہتے ہیں کہ یہ وہ الفاظ ہیں, کلمات ہیں جو زبان مبارک پیغمبر سے ادا ہوئے ہیں, یعنی وحی آئی اور یہ وحی کے کلمات, یہ قرآن ہمیں زبان پیغمبر سے ملا ہے. قرآن مجید جو دو دفتیوں کے درمیان موجود ہے, اس میں کسی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے. سرمایہ حدیث میں اگر اس یقین کے ساتھ کسی جملے کے لیے کہا جا سکتا ہے قرآن ہاتھ میں لے کر کہ قرآن کی قسم یہ جملہ حدیث کا پیغمبر کی زبان مبارک سے ادا ہوا ہے, تو وہ صرف وہی جملہ ہے جو منبر غدیر پر ادا ہوا تھا, من کنت مولا فہذا علی مولا. یہ فنی بحث ہے, یہ مسلکی و عقیدتی اور شاعرانہ بحث نہیں ہے, یہ فنی بحث ہے. کوئی غواص ہو فن حدیث کا, کوئی غواص ہو رجال و درایت کا, اور وہ چیلنج کر دے مجھے آ کر میرے اس فقرے پر, قرآن ہاتھ میں لے کر جس یقین کے ساتھ آپ کہتے ہیں کہ یہ قرآن متواتر ہے اور قطعی الصدور ہے کہ زبان مبارک پیغمبر سے یہ ادا ہوا, اسی یقین کے ساتھ اگر پورے حدیث کے سرمائے میں کسی جملے کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں تو وہ یہ جملہ ہے. حق سبحانہ وتعالی بھی مولا ہے, رسول اللہ بھی مولا ہے, امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام بھی مولا ہے. ایک صلوات بلندتر پڑھ دیں محمد. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. یہ بحث کسی حد تک بہت سادہ معلوم ہوتی ہے, اور یہاں بھی جس طرح اللہ کے لیے جب اللہ کہہ رہا ہے ہوا مولاکم, تو ترجمہ کرتے ہیں وہ تمہارا دوست ہے. جو اللہ کو دوست بنا لیں اور دوست سمجھیں اور حاکم اور آقا اور سرپرست کا ترجمہ وہاں بھی نہ کریں, ان سے ہم کیا توقع کر سکتے ہیں؟ تو کوئی گلہ نہیں ہے, مجھے کوئی گلہ نہیں. اگر مجھے گلہ ہے تو ان سے جو اشہد ان علیاً ولی اللہ کہتے ہیں اور اس کے باوجود معنی ولایت میں بحث کرتے ہیں اور آج تک حدود ولایت میں بحث کرتے ہیں. حدود ولایت, کیا کیا اختیارات حق سبحانہ وتعالی نے دیے تھے اور کیا کیا اختیارات نہیں دیے تھے, اور پھر آپس میں یہ بحث نزاع کی حد تک پہنچتی ہے اور پھر مختلف مسلک بن جاتے ہیں اور مختلف مکاتب فکر بن جاتے ہیں. میں نہایت سادگی اور عاجزی اور اخلاص کے ساتھ عرض کر رہا ہوں, میری کوشش ہمیشہ یہ رہی اور یہی رہے گی انشاءاللہ کہ اختلاف نہ پیدا ہو, جہاں تک ممکن ہو سب کے سب ایک پرچم کے نیچے جمع ہوں, ایک دوسرے کے نظریات کو علمی اور ادبی انداز میں اور زبان میں سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کریں, ایک دوسرے کی نیتوں پہ فوراً حملہ نہ کریں اور ایک دوسرے کو جاہل ٹھہرانے کی کوشش نہ کریں. یہ ایک عجیب بات ہے, سب سے پہلے شیطان جہاں حاوی ہو جاتا ہے یا نفس جہاں غالب آ جاتا ہے انسان کی روح پر, وہاں یہ کیفیت ہوتی ہے کہ ذرا سا جس نے ایک کتاب پڑھ لی وہ سمجھتا ہے میں عالم ہو گیا, بلکہ اعلم ہو گیا, اور بس میں نے جو سمجھ لیا باقی سب غلط ہیں. یہ عام مرض ہے, یہ بہت بڑا پینڈیمک ہے, یہ بہت عام مرض ہے, اور یہ طالبان علم کو علماء کو ہلاک کرنے کے لیے کافی ہے, جہنم میں پہنچانے کے لیے کافی ہے.
कि सिर्फ अपने को आलम समझ लिया और आलिम समझ लिया और दूसरे के नुक्ते नज़र को समझने की कोशिश भी नहीं करते। बहरहाल मुख्तलिफ़ मकातिब फ़िक्र मुख्तलिफ़ अनामीन से कायम कर लिए गए हैं। यहाँ ठहर कर एक बात अर्ज़ करूँ, हक़ सुबहानहु व तआला को समझने के लिए भी, यानी हकीक़त तौहीद, नबुव्वत की हकीक़त को समझने के लिए भी, चाहे वो नबुव्वत आम्मा हो और चाहे वो नबुव्वत खासा हो, यानी नबुव्वत हज़रत ख़त्मी मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। ज़ाहिर है कि इस पेंडेमिक की वजह से और हुकूमत के खुसूसी अहकाम की वजह से तादाद आप हज़रात की कम है, लेकिन सलावात की जो आवाज़ है उसमें कमी नहीं आनी चाहिए। चाहे वो हक़ सुबहाना व ताला की मारिफत हो, चाहे नबुव्वत आमा हो, चाहे नबुव्वत खासा यानी नबुव्वत हज़रत ख़त्मी मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और चाहे मारिफत इमामत व विलायत हो, इसमें चार अहम सोर्सेज की तरफ इस वक्त मैं इशारा करना चाहता हूँ। सिर्फ इशारा है, सोर्सेज मनाबे सरचश्मे। सबसे पहला सोर्स ज़ाहिर क़ुरान मजीद है, सबसे पहला सोर्स क़ुरान मजीद है। दूसरा अहादीथ पैगंबर हैं सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, अहादीथ अहादीथ सहीहा, सही सिलसिलों से, सही वसीलों से, सही वास्तों से जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें हैं, इरशादात हैं, और अइमा अहले बैत के इरशादात हैं, आम हदीसें। तीसरा सोर्स वो ख़ास दुआएं हैं, वो अज़कार हैं जो मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम किया करते थे, है वो भी सरमाया किसका, हदीस का, हदीस के मजमूए में वो भी है, लेकिन उसको तसनीफ़ करके, जुदा करके अलग एक सिनफ़ करार दिया है उलमा ने, और अभी इस पर मज़ीद काम करने की ज़रूरत है। वो दुआएं, वजह क्या है दुआओं को अलग करने की आम सरमाए हदीस से? आम हदीस में गुफ्तगू मासूमीन करते थे अवामुन्नास से, या जो जिस लायक होता था उससे वैसी गुफ्तगू करते थे। कोई आलिम है उससे वैसी गुफ्तगू, कोई मुफक्किर है उससे वैसी गुफ्तगू, कोई आम इंसान है मजदूर है उससे वैसी गुफ्तगू, जो जिस सतह का होता था निगाह मासूम में, उस सतह से उसके सवालात का जवाब देते थे, और मुख्तलिफ हालात में मुख्तलिफ जवाब देते थे। तो ये कलाम करते थे मासूमीन उस कानून के तहत जहाँ कहा गया है कि कल मिन्नास अला क़द्र अक़ूलहिम, लोगों से गुफ्तगू करो उनकी अक्लों की सतह को देखकर, रियायत करो, देखो उनकी सतह क्या है फ़हम की, फ़िक्र की, अक्ल की। लेकिन ये मासूमीन जब मेहराब इबादत में होते थे और जब दस्त दुआ बुलंद करते थे, तो अब आवाम से गुफ्तगू नहीं होती थी, अब खुदा से गुफ्तगू होती थी। वहाँ पर मेयार गुफ्तगू, मेयार कलाम, सतह फ़िक्र मासूम कुछ और उभर के सामने आती थी। इसलिए आम दुआ, आम हदीसों से हटकर, आम मुकालमात से हटकर दुआओं का सरमाया एक ख़ास अहमियत रखता है। इसे अलाहदा एक मुस्तकिल सोर्स है हक़ शनासी का, नबूवत शनासी का, इमामत शनासी का, और माद शनासी का। तीसरा सोर्स, पहला सोर्स कुरान, दूसरा सोर्स अहम हदीसें, तीसरा सोर्स दुआएं और अधकार। अधकार एक फकरे का जिक्र है, दो सतर का जिक्र है, मगर वो जिक्र कयामत का जिक्र है। मसलन जनाब अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहि सलातु वस्सलाम का वो तीन फकरा बहुत मशहूर है, इलाही
कफा बी इज़्ज़न अन अकून लक अब्दा व कफा बी फ़ख़रन अन तकून ली रब्बा अन्त कमा उहिब फ़ज़अलनी कमा तुहिब। खुदा की कसम इससे मुख्तसर और इससे जामे दुआ और मुनाजात मुमकिन नहीं है। ये वो है ना कि जिनके सैयद व सरदार हज़रत ख़त्मी मर्तबत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया था, क्या फरमाया था, उतीत जवामे अल कलिम, हमें जवामे कलिम अता किए गए। बहुत पुराना तर्जमा मेरा ये कि यानी हमें अल्फाज के कूज़ों में मानी का कौसर समो देने का हुनर अता किया गया। छोटे छोटे फ़िक्रों में जहान मानी समेट कर रख देते हैं, पोशीदा करके रख देते हैं। ये और किसी में कुदरत नहीं है, ये हुजूर अलैहिस्सलाम का शरफ है या फिर या रसूल का शरफ है या जाने रसूल का शरफ है। अमीरुल मोमिनीन नफ्स रसूल अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इलाही कफा बी इज़्ज़न, परवरदिगार मेरी इज्जत के लिए काफ़ी है कि मैं तेरा बंदा हूँ। देखिए अब्दियत जो है ना, अब यहाँ पर अब्द कहते हैं किसे, आम जबान में दीनी और इलाही और शरई मफहूम से हटकर अब्द किसे कहते हैं, अरबी जबान का आम कलिमा अब्द उसे कहते हैं जिसे ख़रीदा बेचा जाता है बाज़ार में। इंसानों को, मर्दों को, औरतों को ख़रीदते थे, बेचते थे, पहले भी और अब भी ये काम हो रहा है। इनफरादी सतह पे भी हो रहा है, इज्तमाही सतह पे भी हो रहा है। कौमों की कौमें बिक रही हैं और कौमों की कौमें रुसवा और जलील हो रही हैं। ये एक अलग दर्द अंगेज़ बहस है जो इस वक्त नहीं छेड़ूंगा। लेकिन अब्द के मानी क्या हैं आम डिक्शनरी में, जिसे ख़रीदा जाए बेचा जाए, और जो ख़रीदता है वो कहलाता है मौला, और सैयद आका मालिक होता है, मिल्क के तल्क वो मिल्कियत है, और ये है अब्द क़िन खालिस बंदा, अब्द जलील, जलील यानी कोई ख़ुद इख्तियार नहीं रखता, हर का अपना सर बसर तस्लीम है, जो वो मालिक कहेगा वो करेगा। एक इंसान दूसरे इंसान का अब्द हो यह है रुसवाई की बात, यह है ज़िल्लत की बात आम इस्तेलाम, लेकिन यह इंसान हक सुबहानहु व तआला का अब्द हो यह है इज्जत की बात। अभी यहाँ ज़रा ठहर कर अब्द के लफ्ज़ और अब्दियत पे दो एक बातें और अर्ज़ करूँगा मैं, चूँकि दरमियान में फ़िक्र आ गया अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का, तो बस तर्जमा करके आगे बढ़ जाऊँ। हालाँकि बहुत मशहूर व मारूफ मुनाजात है हज़रत की, मुख्तसर तरीन और जामे तरीन। इलाही मेरे माबूद, मेरे परवरदिगार, कफा बी इज़्ज़न, मेरे लिए इज्जत के लिए ये काफ़ी है, क्या अकून लक अब्दा, कि मैं तेरा बंदा रहूँ, तेरा अब्द रहूँ। वकफ़ा भी फ़ख्रन अन तकून अली रब्बा, और मेरे फ़ख्र के लिए काफ़ी है कि तू मेरा रब है, परवरदिगार है, परवरिश करने वाला है, तू मेरा मालिक है। अंत कमा उहिब, तू वैसा है जैसा मैं चाहता हूँ। फ़ज़अलनी कमा तुहिब, मुझे परवरदिगार ऐसा बना ले जैसा तू चाहता है। खुदा की कसम ये कौन कह सकता है कि परवरदिगार तू वैसा है जैसा मैं चाहता हूँ। ये बुलंद ज़ौक, ये बुलंद शऊर, ये बुलंद इदराक, ये बुलंद फ़िक्र, सिवाय अली के खुदा की कसम ये जुमला कोई कह नहीं सकता। हाँ, हज़रत के जुमले को सुनकर बरसबील मुहाकात, बरसबील हिकायत दोहराने के तौर पर कोई दोहराता रहे वो और बात है, लेकिन खुद इंशा करके ये बात कह सके हुजूर हक में अल्लाह सुबहानहु व तआला के सामने,
बहरहाल तो अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम या तमाम अइम्मा अथहार, इनकी मारिफत का एक सोर्स कुरान है, एक सोर्स हदीस है, एक वो मखसूस दुआएँ हैं जो इन्होंने तालीम फरमाई और इन्होंने ख़ुद पढ़ी हैं दुआएँ। चौथा सोर्स वो ज़ियारतें हैं जो हम मशाहिदे मुकद्दसा अतबात आलिया पर हाज़िरी देते हैं, मज़ारात पर हाज़िरी देते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की ख़िदमत में पहुँचते हैं, अइमे बकी की ख़िदमत में पहुँचते हैं, शुहदाए उहद की ख़िदमत में पहुँचते हैं, हम नजफ़ अशरफ, करबला, काज़िमैन, सामर्रा, खुरासान, अइमे मासूमीन के मज़ारात पर जाते हैं, तो जो ज़्यारतें हमें तालीम की गई हैं, ये भी हदीस का हिस्सा। परवरदिगार जजाए खैर अता फरमाए, करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए और उनके दराजात बुलंद से बुलंदर फरमाए अल्लामा शेख मुफीद को रहमतुल्लाह अलैह। शेख मुफीद, शेख मुफीद वो पहले शख्स हैं जिन्होंने तमाम मजमूए हदीस से ज़ियारात को अलग करके एक मजमू मुरतब किया, मुंतखब, और वो किताब उनकी मशहूर हुई बानवान किताब अल मज़ार, जो अल मज़ार अस्सगीर के नाम से भी मशहूर और मारूफ है, चूँकि वो छोटी सी किताब है, और उसके बाद उनके नक्श कदम पर चलते हुए दूसरे उलमा ने, उलमा मुहक्किकीन, फुकहा, फुहूल, उरफा, उन्होंने फिर इस सिनफ पर और काम किया। चुनांचे अल्लामा शेख अबू अब्दुल्लाह मुहम्मद इब्ने जाफर मशहदी, उन्होंने मज़ार, किताब अल मज़ार बहुत ज़खीम लिखी, और उसके बाद आखिरी किताब जो मज़ार ही की समझिए है, ये मफातीहुल जनान हज़रत अल्लामा शेख अब्बास कुम्मी। शेख अब्बास कुम्मी क्या कोई मामूली शख्स थे? शेख अब्बास कुम्मी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह मामूली शख्स थे, मुशरिक थे, गाली थे। शेख अब्बास कुम्मी अलैहिर्रहमान ने जो ज़ियारतें मुरतब फरमाई हैं, तकरीबन 8-9-10 ज़ियारतें तो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की हैं। कुछ ज़ियारतें मुतलका हैं, यानी आप कभी भी पढ़ सकते हैं, कुछ ख़ास तारीख़ों में हैं, और इसी तरह से ज़ियारत अगर वो किताब मज़ार कबीर इब्ने मशहदी की अगर आप देखेंगे तो उसमें 19-20 ज़ियारतें नक़ल हुई हैं सिर्फ अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम की। किताब मज़ार बिहार उठा के देख लीजिए अल्लामा मजलिसी की, उसमें कितनी ज़ियारतें। ये तमाम ज़ियारतें जो मासूमीन ने तालीम फरमाई हैं, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुँचो तो किस तरीक़े से उन्हें सलाम करो, किन अल्फाज में सलाम करो, किस तरह ख़िताब करो, किस तरह उनके बारे में अपने अकीदे का इजहार करो, किस तरीके से उनसे शफाअत तलब करो। ये एक इसी तरह जब तुम अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहुंचो, अदब क्या है, किस तरह जाओ घर से चलो तो किस तरह, किस एहतमाम से, जाहरी और बातनी तहारत का क्या एहतमाम होना चाहिए, रास्ते में तुम्हारी ज़बान पे क्या जिक्र होना चाहिए और तुम्हारे दिल और जहन की कैफियत क्या होनी चाहिए, जब शहर नजफ़ में दाखिल हो तो क्या कैफियत होनी चाहिए, जब गुंबद मुबारक पे नज़र पड़े तो क्या कैफियत होनी चाहिए, जब कब्र मुबारक के करीब पहुँचो तो उस वक्त तुम्हें क्या कलिमात कहने चाहिए। इन कलिमात में जो मासूमीन ने तालीम फरमाए हैं, एक बड़ा ज़खीरा है मारिफत ज़ात इमाम का, मारिफत का। सिर्फ यह है कि आप रस्मी तौर पे गए और आपने सोचा है कोई रस्म अदा करनी है, ये जुमले कहने हैं और कहा और चले गए, गुजर गए, इन अल्फाज पे गौर करने की जहमत नहीं फरमाते हैं। अफसोस है उन पर जो 10-10 साल और 20-20 साल या कम से कम 5-5 साल नजफ में रहते हैं और उसके बाद वापस आते हैं और फिर भी उन मतालिब के इन मुनकिर हो जाते हैं जो मतालिब ज़ियारात में मौजूद हैं, ज़ियारात में मौजूद हैं। हज़रत शेख अब्बास कुम्मी ने फरमाया है कि जब
दरवाज़े अमीरुल मोमिनीन अलैहि सलाम पे पहुँचो और इज़्ने दुखूल यानी बारगाह में हाज़िरी की इजाज़त तलब करो, तो उसमें एक फ़िक्रा है। क्या फ़िक्रा है? या मौलाय या अमीरुल मोमिनीन आब्दुक व इब्नु आब्दिक व इब्नु अमतिक, ऐ अमीरुल मोमिनीन, ए मेरे आका, ए मेरे हाकिम, ए मेरे सरपरस्त, मैं आपका बंदा हूँ, आपके बंदे की औलाद हूँ, आपकी कनीज का बेटा हूँ और आपकी बारगाह में आया हूँ पनाह लेने के लिए। अलबत्ता क्या यहाँ बंदगी से मुराद वो बंदगी है जो हक सुबहानहू व तआला से मखसूस है? जाहिर है कि नहीं है। मुमकिन नहीं है कि कोई मुशरिक अली की बारगाह में ज्यारत के लिए आ जाए, और मुमकिन नहीं है कि कोई मुशरिक अली की बारगाह में ज्यारत के लिए आए तो मोमिन बन के वापस ना जाए। मगर मुमकिन है कि कोई अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम पर ईमान रखता हो और काफिर हो या मुशरिक हो, जो अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का गुलाम होगा, गुलाम बंदा बन के रहेगा अली का। और लफ्ज़ बंदा तो उर्दू में, अजीज़ो मैं क्या अर्ज़ करूँ, उर्दू में तो आप किसी को भी बंदा कह देते हैं ना, ये तो बाजारी ज़बान का भी हिस्सा है और अदबी ज़बान का भी हिस्सा है नहीं है? यानी ज़ौक़े ज़बान से भी महरूम हो चुके हैं हज़रात, ज़ौक़े ज़बान से महरूम हो चुके हैं। खुदा न करे कि अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की शान में, उनकी मोहब्बत में, उनकी विलायत में कोई तकसीर और कसूर का मुर्तकिब हो जाए, खुदा ना करे। मैं चंद जुमले बस और अर्ज करूंगा। अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का मर्तबा, पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की रोशनी में, और पहले यहाँ समझ लीजिए कुरान वअतसिमु बिल्लाह आयत को क्यों मैंने इंतखाब किया। इसी आयत की तफसीर में बाज जय्यद मुफस्सरीन ने एक जुमला लिखा है खूबसूरत सा, मन इतसम बिल्लाह फहुवा मासूम, मन इतसम बिल्लाह फहुवा मासूम। अल्लाह कह रहा है इतसिमु बिल्लाह, बस अल्लाह को पकड़ लो, अल्लाह से वाबस्ता हो जाओ। और हकीकत क्या है इसकी? जो अल्लाह से वापस्ता हो गया बस वो मासूम है, वो मासूम नहीं होगा तो कौन मासूम होगा? लेकिन हाँ, वाबस्तगी की शान होती है। अब जाहिर है यहाँ बहुत से मतालिब तिश्ना है, बहुत से मतालिब तिश्ना है, जो अहल हैं उसको समझते हैं, जो नाअहल हैं उन्हें चाहिए कि वो अहल तक पहुँचे। पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बस एक हदीस की तरफ इशारा करके और मैं गुफ्तगू को आज समेट देता हूँ। शान अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम में बहुत से इरशादात हैं पैगंबर के, जैसे कि आयतें भी बहुत हैं मालूम है, एक दो आयतें तो नहीं हैं। आम्मा और खासा ने, यानी उलमाए शिया और उलमाए अहले सुन्नत ने भी कसरत से लिखा है कि जितनी आयतें अली की शान में नाजिल हुई किसी और की शान में नाजिल नहीं। इसी तरह हज़रत इमाम अहमद इब्ने हम्बल ने फरमाया है कि जितनी हदीसें अली इब्ने अबी तालिब की फजीलत में और उनकी शान को बयान करने के लिए पैगंबर ने इरशाद फरमाई, किसी और की शान में इरशाद नहीं फरमाई। इमाम नसाई उन्होंने इरशाद फरमाया कि जितनी हदीसें पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की शान में इरशाद फरमाई हैं, किसी और की शान में इरशाद नहीं फरमाई। इनमें बहुत से हदीसें हैं जिन्हें बअनवान हदीस से मंजिलत आप याद रख सकते हैं। मसलन मशहूर हदीस है, या अली अंत मिन्नी बे मंजिलत हारून मिन मूसा, मशहूर हदीस है, ए अली तुम्हारी मंजिलत मेरी नस्बत से वही है जो हारून की मंजिलत मूसा की नस्बत से थी। इस वक्त मैं दूसरी बात अर्ज़ कर रहा हूँ, ये हदीस भी सिर्फ ये नहीं कि उलमाए शिया ने नकल की हो, बल्कि इब्ने अथीर, अल्लामा इब्ने अथीर ने मशहूर किताब उज़्दुल गाबा में भी
नकल फरमाई है यह हदीस अपनी सनद से और अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के तस्करे में इब्न असाकिर ने तारीख़ दमिश्क में लिखी है और मुहद्दिथ शाफ़ी ने, मुहद्दिथ मगाज़ली ने और न जाने कितने मुहद्दिसीन ने, उलमाए अहले सुन्नत शवाफ़ी मालिकी हम्बली हनफ़ी तमाम उलमा ने लिखी है और उलमाए शिया ने तो लिखी ही है कि हज़रत ने एक मरतबा फरमाया, या अली अंत बेमंज़िलतिल काबा, ऐ अली तुम्हारी मंजिलत वैसी है जैसे काबे की मंजिलत है। तो उता वला ताती, लोग काबे की तरफ आते हैं, काबा कहीं नहीं जाता है। और फरमाया यहाँ जाहिर है कि ये हुजूर ने खुद वहीं पर एक जुमला इरशाद फरमाया है कि फ़इन अता कहा उलाइल कौम वसल्लमु लकल अम्र, तो अगर ये कौम तुम्हारे पास आए और ख़ुद सरे तस्लीम खम करे और ये अम्र तुम्हारे सुपुर्द करे तब तो तुम कबूल करना, वरना तुम नहीं जाना हरगिज़। यानी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो वसीयत फरमाई थी और जो मंजिलत बयान की थी उस पर आपने हर्फ ब हर्फ अमल किया पूरी ज़िंदगी। मगर मैं यहाँ पर एक जुमला और अर्ज़ कर रहा हूँ, काबे की जब एक मिसाल दी गई, वो किसने मिसाल दी है, वो जो साहिब जवामेउल कलिम है, जो छोटे छोटे जुमलों में मानी का समंदर समो देने का हुनर रखता है, कुदरत रखता है। कभी आपने गौर फरमाया है कि काबे का जाके आप सब काबे की तरफ सजदा करते हैं तो काबे की इबादत तो नहीं करते ना, इबादत तो हक सुभानहु व तआला की, मगर सामने कौन है, क्या है, काबा। जब हज पे जाते हैं तो तवाफ़ करते हैं, क्या अमल है, एक पत्थर की इमारत है उसकी उसके गिर तवाफ़ कर रहे हैं, ये अलामत किस बात की है, तवाफ़ किस बात की अलामत है। कभी गौर फरमाया, एक रस्म है बस, एक रस्म है अदा करना, एक रस्म है जिसके मानी हमें नहीं मालूम है, चूँकि परवरदिगार ने कहा है इसलिए अंजाम देते हैं। ये उस जज्बे को, उस फिक्र को और उस मलके को बेदार करने और मुस्तहकम करने के लिए है कि तुम्हें दरअसल अल्लाह सुबहानहु व तआला के गिर्द अपनी पूरी ज़िंदगी को रखना है। महवर हक सुबहानहु व तआला है, महवर अल्लाह है, जिंदगी गर्दिश करे तो हक के गिर्द। जब हम तवाफ करते हैं खाने काबा का और उसके बाद हमारे सामने ये हदीस आती है, या अली अंत बेमंजिलतिल काबा, ए अली तुम्हारी मंजिलत काबे की मंजिलत है, तो यकीन कीजिए मैं तो इससे ये समझता हूँ कि हमें ये सिखाया गया है कि अल्लाह की बंदगी करनी है, मगर उसका जाहिर ये है कि तुम्हें इस दुनिया में अपनी ज़िंदगी का महवर ज़ाते अली को बना लेना है। महवर हमारी ज़िंदगी का, हमारी सोच, हमारी फिक्र, हमारा इस्तेदलाल, हमारी कानून साजी, हमारा अखलाक, हमारे घर के अखलाकियात, हमारे समाज के अखलाकियात, सियासियात से इक्तिसादियात तक, महवर हमारी ज़िंदगी का ज़ात अली इब्न अबी तालिब होना चाहिए, जिस तरह से कि हज के दौरान तवाफ़ का महवर खाने काबा होता है। नमाज पढ़ते हैं हम, अपनी पेशानी ज़मीन पे रखते हैं, कोई शख्स भी ज़मीन पे रख दे पेशानी तो इबादत कहलाएगी नहीं, इबादत उस नियत से होगी कि हक सुबहानहु व तआला के हुक्म से अगर पेशानी रखी है उसके बताए हुए तरीक़े से उन आदाब और शरायत के साथ तो वो इबादत है, वाज़े है। कोई सैर व सियाहत की गरज से खाने काबा के मक्के चला जाए, मदीने चला जाए, बहुत से बदनसीब जाते हैं इसी नीयत से, क्या वो उम्रा और हज कहलाएगा, इबादत कहलाएगी नहीं, है खाने काबा, उसके गिर्द चारों तरफ घूम घूम के बहुत तवज्जो से आपने देखी और ईंटें गिन ली और पर्दे को देखा और तस्वीरें खींच ली, ये तवाफ कहलाएगा। मखसूस नियत के साथ खाने काबा के गिर्द
हक सुबहानहु तआला की कुर्बत के इरादे से गर्दिश करना, ये गर्दिश होगी काबे के गिर्द मगर होगी इबादत अल्लाह की। इसी तरह पूरी जिंदगी हम अपनी अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम की इताअत और बंदगी में वक्फ कर दें बहुक्म खुदा, तो इताअत खुदा की होगी, बंदगी खुदा की होगी। बज़ाहिर इताअत अली की होगी लेकिन हकीकतन बंदगी अल्लाह सुबहानहु व तआला की होगी, हक की बंदगी होगी, हक की बंदगी होगी। अल्लाह की बंदगी करनी है तो अली की वैसी बंदगी करो जैसे एक गुलाम एक आका के साथ वाबस्ता होता है, एक गुलाम जर खरीद गुलाम। और ये तमाम अली के मरातिब, मैंने ज्यारतों का क्यों हवाला दिया था, ज्यारतों में और क्या क्या कुछ है। ज्यारत अमीनुल्लाह से मुतालिक बस अब आखिरी फकरा है आज, बाकी मबाहिथ कल और परसों इंशाल्लाह अर्ज करूंगा। ज्यारत अमीनुल्लाह एक आम ज्यारत है और मैं अर्ज करता हूँ कि मोमिनीन को हर रोज ये ज्यारत पढ़ लेनी चाहिए, अपने घर से दूर से जहाँ भी हों ज्यारत पढ़ लेनी चाहिए। ज्यारतों के मजमूए में उलमा कहते हैं कि जो मोतबर तरीन ज्यारतें हैं अज लिहाज सनद और अज लिहाज मतन, मोतबर तरीन उनमें से एक ये ज्यारत है जो हमारे और आपके चौथे इमाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम। अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के मज़ार मुबारक पर पहुँचते हैं और चौथे इमाम ख़ुद ये दुआ ये ज्यारत पढ़ते हैं। तीन सत्रों की ज्यारत है उसके बाद दुआ है। और मैं अर्ज़ करता हूँ अलबत्ता ये ज़ाहिर है कि तुल्लाब उलूम दीनिया के लिए, हमारे साथियों के लिए, दोस्तों के लिए और उलमा के लिए है कि इस आयत का इस ज़ियारत का ये सिर्फ़ एक फ़िक्रा जो जिसमें ख़िताब है अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से, अस्सलामु अलैका या अमीर, अस्सलामु अलैका या अमीन अल्लाह, अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन, इसमें जहाँ पर ये तीन फ़िक्रे जो हैं ज़ियारत के, इसमें पूरा इल्म कलाम समोया हुआ है जो इमामत से मुतालिक है, ख़ुसूसियत से अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की इमामत से मुतालिक पूरा इल्म कलाम। अभी ज़ाहिर है कि लोग इस्तफसार करेंगे कि आपने इतनी बहस इतनी बड़ी बात कैसे कह दी कि पूरा इल्म कलाम जो मुतालिक है अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से मुतालिक। ज़ाहरी एतबार से भी, बातनी एतबार से भी, अब आज वो फ़िक्रे में नहीं पढ़ रहा हूँ, इंशाल्लाह मुमकिन हुआ तो कल की गुफ्तगू में अर्ज़ करूँगा कि किस तरह से वो कलामी बहसें और बुलंद तर अंदाज से जो हमारी किताबों में मौजूद हैं उससे कहीं बुलंद तर अंदाज से कलामी बहसें एक जुमले में सिमटी हुई हैं, जहाँ मासूम ने फरमाया वह अलज़मा अदा अकल हज मा लक मिनल हज हुजजिल बालिगत अला जमीए खल्क़े। क्या क़यामत का जुमला है, क्या क़यामत का जुमला है। आज अब इस जुमले का मैं न तर्जुमा करूँगा और न मज़ीद बयान, बस अब बयान को समेट रहा हूँ। ये अली हैं मासूम अली, ये अली हैं वलीउल्लाह अली, ये अली हैं जिनको आजकल माह मुबारक रमज़ान है, आप रोज़ाना ज़्यारत पढ़ते होंगे ना, रोज़ाना दुआए इफ्तिताह पढ़ते होंगे। दुआए इफ्तिताह में किस तरीके से बयान किया गया है कि दुरूद के हिस्से में, सलावात के हिस्से में अल्लाहुम्मा वसल्ले अला अलीयन अमीरिल मुमिनीन व वसी रसूल रब्बिल आलमीन अब्दिका व वलीयका, अब्दिका व वलीयका व अखी रसूलिक व हुज्जतिक अला खल्क़िक व आयतक अलकुबरा व नबअ अलअज़ीम। ये दुआ है, इससे क्या मारिफत अमीरुल मोमिनीन के अबवाब नहीं खुलते हैं। ज़ियारतों में भी आया अस्सलामु अलैका या नब अय्युहन नबअ अलअज़ीम, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबअ अलअज़ीम अल्लज़ी हुम फीही मुख्तलिफून। ये पूरा फ़िक्रा ज़ियारत में आया है, इस पर तफसील से कहीं गुफ्तगू हुई। बहरहाल
आज की शब, वो शब है जो खाने अली में क़यामत की शब है। परवरदिगार आप तमाम हजरात को आज़ादारी अमीरुल मोमिनीन का हक़ अदा करने का शरफ़ अता फरमाए। बिहारुल अनवार में या फिर वो बहसें छिड़ सकती हैं, इमाम को इल्म कितना था, गैब का इल्म था या नहीं, वो विलायत तकवीनिया थी या नहीं, ये सब बहसें इस वक्त नहीं छेड़ूंगा। बिहारुल अनवार में, काफ़ी में, दूसरी मोतबर मुस्तनद किताबों में, मोतबर सनदों के साथ और बास सही सनदों के साथ इस कसरत से रिवायतें मौजूद हैं कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम अपने कातिल को पहचानते थे, शख्सन पहचानते थे। अमीरुल मोमिनीन उस शब को जानते थे जिस शब आपकी शहादत वाक़ होगी। अमीरुल मोमिनीन को ये ख़बर हबीब किबरिया मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी। मुतअद्दिद रिवायतें, एक दो नहीं हैं, जिनमें से एक रिवायत ये है कि अमीरुल मोमिनीन तशरीफ़ फरमाए मस्जिद कूफा में, एक तरफ इमाम हसन और इमाम हुसैन तशरीफ़ फरमाए, एक तरफ असहाब, और सामने से अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम गुज़रता है, लानतुल्लाह अलैह लाइनुल्लाह। और एक मौका ये है कि वो इमाम को सलाम नहीं करता, बग़ैर सलाम किए गुज़र जाता है। मुख्तलिफ़ मौक़े हैं, एक दो नहीं, मुख्तलिफ़ मौक़े, जो लोग बैठे हैं ताज्जुब से कहते हैं कि ये अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम सामने से गुज़र गया, आपको सलाम नहीं किया आका इसने। आपने कहा, हाँ, एक ठंडी सांस भरी और कहा कि ये तो मेरा कातिल है। फरमाया, ये मेरा कातिल है, सर मुबारक में हाथ रखा, ये मेरे सर के लहू से मेरी दाढ़ी को खिजाब करेगा। खुदा की कसम, मेरे हबीब मुस्तफ़ा ने जो कुछ कहा है वो सच है। लोगों ने ताज्जुब से देखा हज़रत को और कहा, या अमीर अल-मोमिनीन, फिर आप इसे कत्ल क्यों नहीं कर देते। नहायत इत्मीनान से फरमाया, तुम अजीब व गरीब बातें करते हो, अभी इसने जुर्म किया नहीं और मैं उसको सज़ा दे दूँ। क्या शान विलायत है और क्या शान अदालत है। मैं ख़ुलासा अर्ज़ कर रहा हूँ, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की आज़ादारी में गिरिए में भी कमी नहीं होनी चाहिए। क्यों क्यों अर्ज़ कर रहा हूँ? इसलिए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के तज़किरे मसाइब पर जिस रसूल ने बार बार गिरिया किया है, रिवायात में मौजूद है, उसी रसूल ने अमीरुल मोमिनीन के ज़िक्र शहादत पर भी गिरिया किया है। रिवायत में मौजूद है, अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की शहादत का तज़किरा करके मस्जिद में पैगंबर ने गिरिया फरमाया है। पैगंबर ने गिरिया फरमाया, जिस इमाम पे पैगंबर ने गिरिया किया हो, जिस इमाम पर अहले बैत ने बार बार गिरिया किया हो, इसलिए कि बार बार आप ख़बर देते थे, आप ख़बर देते थे कि मेरी शहादत का वक्त करीब आने वाला है, मिंबर कूफा पर हैं, तशरीफ़ फरमाए, खुतबा दे रहे हैं, खुतबा देते देते एक मरतबा ठहरे और दाहिनी तरफ अब इमाम हसन बैठे हुए हैं, बाईं जानिब इमाम हुसैन तशरीफ़ फरमाए, एक मरतबा इमाम हसन की तरफ नज़र डाली, कहा, बेटा हसन, इस महीने की कितनी तारीखें गुजर गईं? कहा, बाबा, 13 तारीखें हो गई, गुजर गईं। एक अंदाज़ है ना, एक अंदाज़ है, ये तो नहीं है कि हज़रत को नहीं मालूम, एक अंदाज़ है इजहार का, एक कर्ब का इजहार है। बाईं तरफ देखा, बेटा हुसैन, कितने दिन रह गए हैं माह मुबारक रमज़ान के? कहा, बाबा, 17 दिन और रह गए हैं। फिर आपने कहा, खुदा की कसम, यही वो महीना है जिसमें मैं तुम लोगों से जुदा होने वाला हूँ, यही वो महीना है, वो तारीख़ बस करीब आने वाली है जब अशकल आखरीन मेरे सर के
लहू से मेरी दाढ़ी को खिजाब करेगा। जब ये फरमाते थे तो असहाब गिरिया करते थे, हसनैन बिलकने लगते थे, गिरिया करते थे। आज की शब वही शब है, ऐसी ही शब थी वो शब जो सन 40 हिजरी में कूफे में आई और क़यामत लेके आई। आप हजरात के सुने हुए वाक़ियात हैं, मगर हर मर्तबा जब सुनते हैं तो दिल कलेजा मुंह को आने लगता है, दिल तड़पता है, सीना फटता है। शुरू से अमीरुल मोमिनीन 3 लुक्मे से ज़्यादा इफ्तार में तनावुल नहीं फरमाते। किसी दिन इमाम हसन के यहाँ, किसी दिन इमाम हुसैन के यहाँ, और 18 रमज़ान 19वीं की शब अपनी छोटी बेटी जनाब उम्मे कुलसूम के मेहमान हैं। जनाब उम्मे कुलसूम तबक में इफ्तार के वक्त एक प्याला दूध, थोड़ा सा नमक और 2 रोटियां जौ की लेकर तशरीफ़ लाई हैं। जब इमाम ने नमाज पढ़ ली और उसके बाद तबक की तरफ देखा तो एक मर्तबा फरमाया है, या बुनैया अतुकद्दमीना ली लौनैन फ़ी तबक वाहिद। ए बेटी, क्या मेरे लिए एक तबक में 2 तरह के सालन लेके आई हो, 2 तरह की ग़िज़ाएँ लेके आई हो? क्या कभी ऐसा हुआ है? बेटी ने इसरार किया, बाबा आप कमज़ोर नज़र आ रहे हैं, बाबा आप तनावुल फरमा लें। उस वक्त जो बाप और बेटी के दरमियान गुफ्तगू हुई है उसमें भी मौज़े और नसीहत और इबरत के मानी और मजामीन हैं, आप समाअत फरमाते रहते हैं। बहरहाल बाबा के कहने से जनाब उम्मे कुलसूम ने दूध का प्याला उठा लिया। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने उस नमक से 3 लुक्मे तनावुल फरमाए और उसके बाद उठकर बार बार सहने खाना में तशरीफ़ ले जाते थे और बार बार वापस आ जाते थे, बार बार सहने खाना में तशरीफ़ ले जाते थे, बार बार वापस आ जाते थे। और इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन इरशाद फरमाते रहते थे। घर में कोहराम सा बरपा था, यहाँ तक कि सहर नमूदार हुई। अमीरुल मोमिनीन आमादा हुए हैं, अमीरुल मोमिनीन आमादा हुए, अमीरुल मोमिनीन ने रिदा दोश पर डाली, अमामा सर पे रखा, बैतु शरफ से निकलना चाह रहे थे। घर में मुर्गाबियाँ पली हुई थीं, मुर्गाबियों ने एक मर्तबा बुलंद आवाज़ से कुछ इमाम का दामन को अपने मिनकारों से पकड़ लिया और बुलंद आवाज़ से मुर्गाबियों ने चीखना शुरू किया। इमाम ने उस मर्तबा फरमाया, सवाएह तत्बउहा नवाएह, ये जो चीख रही हैं अब इसके बाद ये नौहा करेंगी, ये नौहा पढ़ेंगी, इसके बाद नौहा खानी व मरसी या खानी का दौर चलेगा। बेटी समझ रही है कि बाबा क्या कह रहे हैं, बाबा अपनी मौत की खबर दे रहे हैं, बाबा अपनी मौत की इत्तला दे रहे हैं। बेटी आगे बढ़ी, बाबा आज घर में नमाज़ पढ़ लें, किसी और को अपनी जगह नमाज़ पढ़ाने के लिए मस्जिद में भेज दें। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने कहा, नहीं बेटी, जो वादा हक है वो पूरा होकर रहेगा। अमीरुल मोमिनीन बैतु शरफ से निकले, मस्जिद में तशरीफ़ ले गए। कहते हैं कि आपने उस रोज़ मुअज्जिन को भी मना कर दिया कि आज तू अज़ान ना दे, मैं खुद अज़ान दूँगा। कहते हैं अमीरुल मोमिनीन ने खुद अज़ान दी। अज़ान देने के बाद मेहराब में तशरीफ़ ले गए और नमाज नवाफिल अदा किए। अब यहाँ रिवायतों का इख्तिलाफ़ मैं इस वक्त ज़िक्र नहीं करना चाहता, बस 2 फ़िक्रे अर्ज़ करना चाहता हूँ। इमाम अलैहिस्सलाम ने नमाज का आगाज़ फरमाया, कहते हैं कि बाज़ रिवायतों में, आम्मा की बाज़ रिवायतों में, कि नाफिला पढ़ रहे थे, लेकिन हमारे यहाँ जो मशहूर और मारूफ़ मुतदावल रिवायत है, जमात थी, नमाज से सुबह पढ़ा रहे थे, पहली रकात का दूसरा सजदा था जब शकी ने इमाम के सर मुबारक पर तलवार लगाई है और इमाम ने फरमाया फुज़तु व रब्बिल काबा, खुदा परवरदिगार रब्बे काबा की कसम में कामयाब हो गया,
रब काबा की कसम में कामयाब हो गया। एक कोहराम बरपा हुआ, जमीन व आसमान के दरमियान कोहराम बरपा हुआ। तहद्दमत वल्लाह अरकानुल हुदा, आवाज बुलंद हुई किसकी? जिब्राइल की आवाज बुलंद हुई, जिब्राइल की आवाज बुलंद हुई। अरकान हिदायत मुनहदिम हो गए, अमीरुल मोमिनीन कत्ल कर दिए गए, पूरा कूफा उमंड आया। इमाम हसन और इमाम हुसैन इमाम के हुक्म से उस दिन मस्जिद तशरीफ नहीं लाए थे। इमाम अलैहिस्सलाम की जब ज़रबत की आवाज़ सुनी, खबर सुनी, दौड़ के मस्जिद में पहुँचे, देखा बाबा तड़प रहे हैं, दर्द से तड़प रहे हैं, दर्द से तड़प रहे हैं, और ज़ख्म में मिट्टी उठा उठा कर डाल रहे हैं। ये अबू तुराब हैं, ये अबू तुराब हैं, मिट्टी उठा उठा कर डाल रहे हैं और सूरह मुबारक ताहा की आयत पढ़ रहे हैं, मिन्हा खलकनाकुम वफ़ीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। इसी खाक से हमने तुम्हें पैदा किया है, इसी खाक में हम तुम्हें पलटा कर ले जाएंगे, इसी खाक से दोबारा हम तुम्हें उठाएंगे। ये दर्स है। अली उस वक्त भी कुरान का दर्स दे रहे हैं, अली उस वक्त भी तौहीद का दर्स दे रहे हैं, अली उस वक्त भी आखिरत का दर्स दे रहे हैं। एक तिलावत अली मुकम्मल दर्स है, मुकम्मल दर्स है। जनाब इमाम हसन पहुँचे, बाबा ये मैं क्या देख रहा हूँ, गिरिया शुरू किया। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेटा हसन पहले नमाज मुकम्मल करा दो। ये जुमला मैं अक्सर कहता हूँ, आका हुसैन आपने नमाज पढ़ी, आपने तेगे सितम के नीचे सर रख दिया, सजदे की हालत में सर कलम हुआ, लेकिन मैं समझता हूँ आप जैसे साबिर के लिए, खुदा की राह में कुर्बानियाँ देने वाले के लिए ये आसान था इम्तिहान बनिस्बत उस इम्तिहान के कि जवान बेटा, गैरतदार बेटा, हसन जैसा शुजा बेटा मौजूद है, बाप तड़प रहा है बराबर में जख्मी और वो बेटा नमाज पढ़ा रहा है। अल्लाहु अकबर। इमाम के हुक्म से जनाब इमाम हसन ने नमाज सुबह अदा कराई, नमाज सुबह जमात पढ़ी और उसके बाद इमाम हसन तशरीफ़ फरमा हुए, बाबा का सर अपने जानू पर लिया, लहू पोछते जा रहे हैं, गिरिया फरमाते जा रहे हैं, एक खिलकत है, लोग चले आ रहे हैं, आका की ज़ियारत कर रहे हैं, अमीरुल मोमिनीन का चेहरा लहू से लाल है, रीशे मुबारक से लहू के कतरे टपक रहे हैं, सर मुबारक से खून का फव्वारा जारी है, लोग आ रहे हैं जूख दर जूख, हसन रो रहे हैं। तो अली फरमाते हैं, बेटा गिरिया ना करो, तुम्हारे गिरिए से मलाइका समावात तो अर्श तड़प रहे हैं, अर्श से लेकर फर्श तक। वा अलिया वा अलिया वा अलिया का नारा बुलंद है। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, रिज़ान बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रे। परवरदिगार हमें उलूम कुरान और मारिफ़ अहले बैत से आशना फरमा। परवरदिगार माबूद हमें अपनी बंदगी का सलीका अता फरमा। परवरदिगार हमें अमीरुल मोमिनीन के विलायत का हक अदा करने का जज्बा अता फरमा, सलीका अता फरमा। परवरदिगार हमें अपना, हमारे सीनों में चराग तौहीद रोशन फरमा। परवरदिगार हमारे हाथों में हमेशा दामन नबूवत रहे। परवरदिगार हम हमेशा सिरात मुस्तकीम विलायत पे गामजन रहें। परवरदिगार जहाँ जहाँ भी रूए ज़मीन पर मोमिनीन हैं, मुस्लिमीन हैं, उन्हें अपनी ख़ास हिफ्ज़ो अमान में रख। परवरदिगार तमाम दुनिया के इंसानों को अपने लुत्फ़ आम से बेहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद इस आम वबा से नजात अता फरमा। परवरदिगार अपने वली आखिर को इज़्ने ज़ुहूर अता फरमा और उनके हाथों से अपनी रहमत और राफत व अदालत का परचम लहरा दे।